हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं हूं नजरुल रजा और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल नासरी इलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं एक मिक्सी की बाटी को रिपेयर करना सिखाने वाला हूं। जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमारे पास मिक्सी की जार आई है रिपेयर होने के लिए। और दोस्तों, इस बाटी के अंदर हमारी दो तीन समस्या है। आइए सबसे पहले आपको मैं वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी ये जार है, इसके अंदर दोस्तों जब मसाला को डालते हैं पीसने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे मसाला को सही तरह से पीस नहीं पाती है। दोस्तों, जब इसमें मसाला को डाल देते हैं और चलाते हैं दोस्तों, हमारी बाटी के अंदर से काफी जोर जोर की साउंड भी आती है। दोस्तों, अगर इस तरह की कंडीशन जब बनती है हमारी मिक्सी की बाटी में, तो दोस्तों यहाँ पे पानी लीकेज की समस्या भी 100% होना चाहिए। ऐसा फॉल्ट आपके पास रिपेयर होने के लिए आती है, तो इस तरह की फॉल्ट को मैं किस तरह से दूर करना होता है, चलिए आज के इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो नए मैकेनिकों के लिए काफी खास होने वाली है। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देख लीजिएगा, आपको जो है कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट हमारी जो भी आने वाली वीडियो होगी आप लोग को जल्द देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको जो है बताया है, इसके अंदर तीन प्रॉब्लम है, यानी कि एक तो हमारी यहाँ पे जो है मसाला को सही तरह से नहीं पीस पाती है। जब भी फ्रेंड्स आपके पास कोई कस्टमर लेकर आता है कि ये जो है बाटी सही तरह से मसाला को नहीं पीस पाती है, तो आप उसी वक्त समझ जाइएगा यहाँ पे इसकी जो है ब्लेड की समस्या है, यानी कि इसकी जो हमारी ब्लेड है ये हमारी खराब हो जाती है, यानी कि इसकी जो हमारी धार होती है चलते चलते खराब हो जाती है। तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारी ये मसाला को सही तरह से नहीं पीस पाएगी। हाँ, यहाँ पे दूसरा कंडीशन में ये भी हो सकता है कि इसके अंदर दोस्तों हमारी 411 नंबर की बूश होती है। और दोस्तों, किसी किसी बाटी में आपको जो अलग अलग यहाँ पे जो टाइप की भी बूश देखने को मिल सकती है, तो वो बूश कटने की वजह से ये जो हमारी सॉफ्ट है दोस्तों, ये हमारी ढक हो जाती है। तो उस क्रम में भी दोस्तों ये मसाला को जो सही तरह से नहीं पीस पाएगी। और दोस्तों, अगर तीसरा कंडीशन में अगर कोई कस्टमर कहता है कि इस बाटी से पानी लीकेज कर रहा है, तो दोस्तों उस वक्त आप समझिएगा कि इसकी जो सॉफ्ट है दोस्तों वो हमारी कटी होगी, या दोस्तों हमारी इसकी बूश है वो हमारी 100% यहाँ पे कटी होगी, यानी कि पूरी तरह से लूज होगी। और जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे जो पानी लीकेज की समस्या आती है। और एक कंडीशन और भी बनती है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारी गद्दी लगाई जाती है, ये दोस्तों यहाँ अंदर से यहाँ पे कट जाती है, तो उस क्रम में भी दोस्तों हमारी पानी लीकेज की समस्या आती ही आती है। यहाँ पे इस बाटी को देख लीजिए, इसकी तो ब्लेड फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरह से खराब है, यानी कि थोड़ा भी यहाँ पे जो धार वगैरह नहीं है पूरी तरह से। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेन है, तो इसकी तो हमारे यहाँ पे जो ब्लेड भी चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन दोस्तों हमारी पानी लीकेज कर रही है, या दोस्तों हमारी साउंड आ रही है, तो देख सकते हो यहां पे इस तरह से डोला रहा हूं, तो आप सुनिएगा यहां पे खटखट करके आवाज आएगी। देखिए यहां पे हमारी जी सॉफ्ट है दोस्तों, ये हमारी पूरी तरह से पले है, यानी कि हमारी ढक है, ये हमारी पले होने की वजह से दोस्तों हमारी बाटी के अंदर से खटखट की आवाज आती है, और दोस्तों यहाँ पे पानी भी लीकेज करती है। तो इस क्रम में आपको क्या करनी है दोस्तों, इस बाटी को ओपन करनी है, यानी कि ब्लेड को आपको खोल लेनी है। तो यहां पे सिंपली आपको क्या करनी है, नीचे की तरफ से आपको जो कुछ इस तरह से कपलर को पकड़नी है, और दोस्तों ऊपर की ओर से यहाँ पे जो है इसे क्लॉकवाइज में घुमानी है। तो यहाँ पे आपकी जो ये ऊपर वाली बोल्ट है ये आसानी से खुल भी जाएगी। चलिए यहाँ पे हम इसे अलग कर लेते हैं, और दोस्तों इस ब्लेड को मैं साइड कर दूंगा। तो यहाँ पे चलिए मैं इसे साइड कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारी सॉफ्ट किस तरह से ढक है, देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा यहाँ पे ढक है, इसकी जो है बूश भी कटी हुई है। चलिए सॉफ्ट को निकाल के देख लेते हैं हमारी सॉफ्ट सही है कि नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो सॉफ्ट को निकाल लिया, पर दोस्तों यहाँ पे सॉफ्ट देखने से बिल्कुल हमारी सही लग रही है, यानी कि थोड़ा भी यहाँ पे जो कटा हुआ नजर नहीं आ रही है, तो सॉफ्ट यहाँ पे जो बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रॉब्लम जो हमारी हो रही है दोस्तों, इस बूश से और यहाँ पे इस ब्लेड से, तो इस बूश को हम चेंज कर देते हैं, तो हमारी यहाँ पे पानी लीकेज की समस्या और साउंड की समस्या दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और रही बात दोस्तों यहाँ पे मसाला पीसने की, तो हमारी इस ब्लेड को चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक हमारी ये रिंग लगी रहती है, यानी कि बूश को इसको टाइट करने के लिए, तो ये भी हमारे यहाँ पे फूटा हुआ है। तो अगर आपके पास ये है तो बदल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये ऑलरेडी अभी टाइट है, चलने वाली है। तो ये मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं इसे नहीं बदलूंगा। चलिए आपको मैं बूश बदल के दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको ब्लेड लगा के दिखा देता हूँ। दोस्तों इस बाटी को रिपेयर करने के लिए एक हमारी टूल्स किट आती है, उसके जरिए से दोस्तों हम इस बाटी को रिपेयर करते हैं। पर दोस्तों मेरे पास वो कोई भी टूल्स नहीं है, तो इसे मैं जुगाड़ की मदद से ही इसका मैं बूश बदलना बताऊंगा, और यहाँ पे आपको मैं स्क्रैचेस करके दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बूश को निकालने के लिए मैं कुछ इस तरह का सॉफ्ट का इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पे इतना आपको जो है बीच में होल होना चाहिए, जिसके जरिए से हमारे यहाँ पे जो है ये बूश इसके अंदर आसानी से चल जाए, यानी कि निकल जाए। ऐसा आपको जो यहाँ पे सॉफ्ट लेनी है, और दोस्तों यहाँ पे मैं बूश को, यानी कि सॉफ्ट एक रहती है निकालने के लिए,
तो बुश को निकालने के लिए दोस्तों मैं इस कूलर का सॉफ्ट का मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो इसके मुंह को दोस्तों हमने यहाँ पे पतला किया हुआ है, जो हमारी बुश के ऊपर यहाँ पे लग जाती है आसानी से और यहाँ पे अच्छी काम भी कर जाती है। तो यहाँ पे इस बुश को निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से इस वाली भाग को यहाँ पर हम रख देते हैं इस तरह से बीचों बीच, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम हीट करते हैं कुछ इस तरह से, और ये बुश हमारी आसानी से निकल भी जाती है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक हैमर ले लिया हूँ और इसके बीचों बीच रख के और मैं यहाँ पे हीट करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो प्रॉपर हीट नहीं लगेगी तो हमारी ये नहीं भी निकल सकती है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, देखते हैं यहाँ पर निकल पाती है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारी बुश निकल रही है, देख सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं हीट करता हूँ। तो ये बुश हमारी यहाँ पे निकल चुकी है। तो चलिए यहाँ पे नया बुश मैं लेता हूँ। तो इसके अंदर जो हमारी बुश लगी रहती है वो हमारी 411 नंबर की बुश लगी रहती है। इसके ऊपर दोस्तों नंबर नहीं दी गई है, बट आपके पास बुश नहीं होगी तो इस बुश को मार्केट में ले जाके आप यहाँ पे जो ले आ सकते हो सेम बुश। तो चलिए इस बुश को मैं सैर करता हूँ और नया बुश मैं लेके आता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो सेम बुश ले लिया है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे जो सेम ही है, ये भी हमारी SP की है और ये बुश भी दोस्तों हमारी SP कंपनी की है। तो चलिए यहाँ पे ये दोस्तों हमारी जो 411 नंबर की बुश है, अब दोस्तों इसको हमें डालने के लिए सिंपली आपको क्या करनी है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख लेनी है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से रखने के बाद हाथ से हो सके थोड़ा सा यहाँ पे जो अंदर डाल के देखिए, यहाँ पे जा रही है तो ठीक है, नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं, हल्का सा इसको जो आपको अंदर डाल लेनी है। फिर से दोस्तों आपको जो इस सॉफ्ट को लेनी है और इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर आपको जो रख लेनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको जो है इस्तेमाल नहीं करता हूँ यहाँ पे ठोकने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मुँह चौड़ा हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे सॉफ्ट डालने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे अब जो आपको लेनी है दोस्तों कुछ इस तरह का यहाँ पे जो है ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए, देखिए इतना सा चौड़ा मैं लेता हूँ जो यहाँ पे फैल जाती है। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से हमारी ये कवर हो जाती है बुश, तो इतना सा चौड़ा आपको लेनी है और यहाँ पे आपको जो है इस तरह से हीट करनी है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको जो है ज़्यादा हीट नहीं करनी है, जोर से हल्का हल्का से यहाँ पे जो हीट करनी है एकदम आराम से। तो अभी दोस्तों यहाँ पे चलिए थोड़ा सा और भी हीट करते हैं। हमारी बुश ये एडजस्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे जो हमारे किनारे में थोड़ा सा लग भी गए, बट कोई नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जो है और बाहर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अंदर आ गई है। तो अब हमारे यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे हमारी ये बुश जो है एडजस्ट हो चुकी है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करनी है, थोड़ा सा आपको जो ऑयल लगा देनी है और दोस्तों यहाँ पे इस सॉफ्ट के ऊपर भी आपको जो ऑयल लगा देनी है। अगर फ्रेंड्स इस साइड से हमारी ये सॉफ्ट अंदर नहीं जा रही है तो आपको जो है आपको ऊपर से डाल लेनी है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे चल जाती है तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइट भी हो सकती है क्योंकि हमारी बुश अभी नई है तो जाम हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे ये सॉफ्ट जो है नीचे एक साइड से हमारी नहीं जा रही है, तो इस सॉफ्ट को हमने यहाँ पे खोल लिया और ऊपर की ओर से मैं डाल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी ऊपर की ओर से जा रही है। तो अब आपको क्या करना है, जो ब्लेड आपने निकाला था आपको जो अगर सेम ब्लेड ऐसा मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आप जो इसके जगह पे इस टाइप की भी ब्लेड लगा सकते हो जो यहाँ पे परफेक्ट रहेगी इसके लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से मुझे इसे लगा देनी है। सो यहाँ पे हमारी ये ब्लेड फिट हो चुकी है और इसे आप टाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे इसे जो एंटी क्लॉक में आप घुमाइएगा तो ब्लेड हमारी यहाँ पे जो पूरी तरह से टाइट हो जाएगी। तो अब ये हमारी ब्लेड ये फिक्स हो चुकी है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इस पर ऑयल डाल के और यहाँ पे आपको जो है गद्दी ले लेनी है, जो हमारी गद्दी लगी हुई थी आपको जो है सेम वही गद्दी लेके और इसके अंदर आपको जो है डाल देनी है। चलिए यहाँ पर मैं इसे घुमा घुमा के और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, डायरेक्ट हाथ लगा के नहीं करना है, यहाँ पर हो सके तो कपड़ा ले कर और इसे घुमाइए तो आसानी से दोस्तों यहाँ पे अंदर चल भी जाएगी, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी ये अंदर जा चुकी है, तो देख सकते हो हमारी ये अंदर जा चुकी है, देख सकते हो ये जो हमारी ब्लेड तो ये एडजस्ट हो चुकी है, बट यहाँ पे हमारी जो नीचे वाली प्लेट की ओर सट रही है ये हमारी ब्लेड। तो अभी आपको क्या करनी है, जहाँ पे आपने जो एक गद्दी लगाई थी
कुछ इस टाइप की, एक दो गद्दी और भी आपको यहाँ पे जो है बढ़ा लेनी है। चलिए मैं इसे निकाल कर यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है दो गद्दी और भी लगा दिया हूँ, देख सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे इसे लगा के। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अब हमारी जो है बिल्कुल भी टच नहीं करी, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे जो है सही है, देख सकते हो। फिर अब आपको क्या करनी है, एक और भी यहाँ पे गद्दी लगा के और स्टील वाली गद्दी को रख के यहाँ पे आपको जो है टाइट कर लेनी है, यहाँ पे हमारी काम हो जाएगी। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ के ऊपर। दोस्तों जो हमारी स्टील वाली गद्दी थी, आपको जो है सिंपली इसे भी लगा देनी है और इसे आपको जो है कपलिंग को आपको जो है लगा लेनी है। और यहाँ पर हमारी ये फिक्स हो जाती है, देखिए हमारे यहाँ पे काम हो चुकी है। और यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा जाम नज़र आ रही होगी, बट उतना भी जाम नहीं है, यहाँ पे फ्री है। अभी नया बूश यहाँ पे डलाई है, तो जिस वजह से हल्का सा जाम होगी। जब दोस्तों ये हमारी बाटी थोड़ा सा मशीन पर चढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक दोस्तों हमारी ये फ्री भी हो जाएगी, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी चार्ज आपको कितना जोड़ना है। जो बूश आपने लगाया है इसके अंदर, उसका चार्ज मैं लेता हूँ दोस्तों बूश का 60 से 70 रुपया, और दोस्तों इस ब्लेड का लेता हूँ दोस्तों 30 से 40 रुपया। अब आप जोड़ सकते हो यहाँ पे कितना चार्ज टोटल बनती है। इस तरह से फ्रेंड्स आप इस जो है बाटी को रिपेयर करके अच्छी खासी यहाँ पे इनकम कर सकते हो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये जानकारी आप लोगों को 100% पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो बंदी चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी जो भी आने वाली वीडियो होगी आप लोग को जल्द देखने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ने वीडियो किसी ने फूल के साथ। तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर, बाय बाय।